नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल नेट स्टडी में। दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। यह वीडियो आप लोग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। खंड शिक्षा अधिकारी में स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है और कितना सेफ स्कोर आपका हो सकता है। तो दोस्तों 120 प्रश्न इसमें आने हैं, पूर्णांक होगा आपका 300 नंबर का और समय आपको मिलेंगे 2 घंटे। दोस्तों नकारात्मक अंकन दोस्तों 1/3 है, आपको जैसा कि पता है 1/3, और सामान्य अध्ययन के पेपर है। अगर दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में आसानी से प्रतिभाग कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों का कहना ये होता है कि मेरे बगल वाले 110 नंबर तक कर चुके हैं, 110 क्वेश्चन कर चुके हैं, उनको देख ही देखा हो सकता है कि वह ज़्यादा कर जाते हैं, तो ऐसे में उनका ऋणात्मक परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है और उनको भर्ती से बाहर होना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर दावेदारी आपको प्रस्तुत करनी होगी और बहुत ज़्यादा कैंडिडेटों की संख्या होने की वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को संभाल कर रखना होगा। दोस्तों अब देखिए, कुल मिलाकर 120 प्रश्नों में सर्वप्रथम आपको 3 बार में इन प्रश्नों को हल करना है। सर्वप्रथम आप 100% जिनमें श्योर हों उन प्रश्नों को करें, उनमें डाउट ना लें। दोस्तों डाउट वाले क्वेश्चन को आप टिक करते हुए छोड़ते जाएं। सेकेंड राउंड में जब आप आते हैं तो उसमें जब आप थोड़े कम डाउट वाले क्वेश्चन हों जिनमें आप सोचते हैं समय लगाने पर वह प्रश्न हल हो जाएंगे, जैसे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो दोस्तों उनको आप इंक्लूड कर लीजिए। इन सभी सब्जेक्टों में सबसे पहले आपको सी सेट वाले जो प्रश्न हैं यानी जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले करना होगा। दोस्तों अब तीसरे राउंड में जब हम आते हैं, अगर हम उनमें देखते हैं कि हमारे प्रश्नों की संख्या 120 प्रश्नों में अगर हम लोग 90 से प्लस एवअप जा रहे हैं तो तभी हम उन प्रश्नों को थोड़ा कम लेंगे। डाउट वाले प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय लेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर एक आध दो प्रश्न उसमें से मुझे 95% से यानी मतलब उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी लग रही है कि ये प्रश्न सही हो सकते हैं तभी उसको हम लोग टच करें। अगर हम 75-80 के आसपास ठहर रहे हैं, इतने ही प्रश्न बन पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको रिस्क लेना अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक मानना है कि दोस्तों अटेम्प्ट करना आपका 90 से 100 के बीच अगर आप रहते हैं तो मुख्य परीक्षा जरूर दे पाएंगे। दोस्तों देखिए, आप तुक्का ही ना लगाएं, केवल तुक्का लगाना आप लोगों के लिए भारी नुकसानदेह हो सकता है। बहुत सारे छात्रों का कहना होता है कि हम तुक्का लगाते जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, तुक्का की ट्रिक ऐसी कोई भी अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे छात्र तुक्का लगाकर यहाँ पर सिलेक्शन ले लेते हैं। तो दोस्तों तुक्का लगाने पर आपका यहाँ पर परसेंटेज, जैसे आपने 4 ऑप्शन लगाया दोस्तों, और उसमें ज़रूरी नहीं कि आपका जो लगा रहे हैं वही सही हो। एक क्वेश्चन मान लीजिए सही हो जाता है, लेकिन आगे के 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो वो भी आपको माइनस में लेकर चला जाएगा दोस्तों, और यह आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं, आप सभी लोग समझ गए होंगे, मेरा मानना है कि 90 से 100 के बीच आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इससे अगर आसपास 100 के आसपास आप पहुँच जाते हैं तो आप सेफ स्कोर के अंतर्गत है। बहुत ज़्यादा प्रश्नों को करने का आप यहाँ पर अपना टारगेट मत बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसके कारण हम 120 में से 110-115 करके आएंगे। दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप जितना क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें सही कितना ज़्यादा है आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आप जब पेपर देकर आना है तो ज़रूर इसमें कमेंट करें कि दोस्तों आपने कितना यहाँ पर अटेम्प्ट किया और कितने आपके सही हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अगली सभी प्रकार की अपडेट होंगी आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक्स।